हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं जिससे न्यूमेरिकली क्वेश्चन बनेंगे। 5 और 3 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं और एक एक ग्राफ जो बनता है आपका, देखते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए यहां दिखाते हैं आपको 2 मार्क्स के, यहां पे 3 मार्क्स का और यहां पे 5 मार्क्स के। एमसीक्यूज का तो कोई ईमान धर्म है ही नहीं बेटा, वो कुछ भी कहीं से भी आ जाता है, ठीक है। तो जो आपका 2 नंबर का है, 2 नंबर का सबसे पहले याद रखिएगा फैराडेज का लॉ। फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट। दूसरा इसका न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा बेटा पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे को जनरली नहीं पूछा जा रहा और पूछते भी नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता, तो इसको करिए मत करिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्लियर है। तो 2 मार्क्स का ये है। 3 मार्क्स का देखिए नर्स्ट इक्वेशन। अगर नर्स्ट इक्वेशन अकेली अकेली आई तो 3 नंबर का आएगा, जिसमें आपको ई सेल की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। एन आप रिएक्शन से निकाल लेंगे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी आयंस होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, तो फॉर्मूला आप फटाक से यूज कर लेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट -0.059 अपॉन एन लॉग का प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट का नीचे, ठीक है। और जो भी आपको पता है गैस का प्रेशर होता है गिवन होगा, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन होती है, ठीक है, और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है, यूनिटी होती है, क्योंकि अनडिजॉल्व होते हैं उस टाइम पे, क्लियर। इसके अंदर एक और है कॉलरॉस लॉ के स्टेटमेंट भी पूछी जा रही है बेटा न्यूमेरिकल के साथ, याद रखिएगा न्यूमेरिकल के साथ, क्लियर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली इसको भी पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका है 5 मार्क्स में नर्स्ट इक्वेशन ही है, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन है लेकिन याद रखिए आपकी गिब्स के साथ, गिब्स जो आपका फॉर्मूला, गिब्स का जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड के लिए बनता है -NFE cell naught और डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE cell, ये बनता है, क्लियर। और नर्स की तो आपको पता ही है, तो इस पे अगर ये दोनों मिला के दे दिए तो याद रखिएगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपका एक और है इसके अंदर लास्ट, वो आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डाइल्यूशन है, जिसका ग्राफ ऐसे बन रहा है बेटा, एक ऐसे बनता है और एक ऐसे बनता है, ठीक है। ये SE का है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इसमें भी क्वेश्चन बन रहा है, याद रखिए बेटा, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन इस पे बन रहे हैं, याद रखिएगा, क्लियर। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही बेटा मैंने काफी सारी वीडियोज बना रखी है, हर चैप्टर का पूरा 1 शॉट ही बना रखा है। अगर आपको ना मिले तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।